एकदम टाइम पे ज्वाइनिंग हो रही है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स की वेकेशन। वैसे तो अभी जाके मुझे मुंबई में 2 दिन क्वारंटीन रहना है, आई एम श्योर बोर्डिंग जो मेरी 2-3 दिन के बाद है फैमिली वापस से मिलने मुंबई आ जाएगी। चलो भाई चल। अभी तो सिर्फ मम्मी को भाई बोल रहा हूँ, और अभी रंजना और ये तो मेरे साथ चल रहे आधे रास्ते निकल चुके हैं हम, और ये जाएंगे रावेत, इसको पार्क करेंगे, वहां से मैं टैक्सी लूंगा आउट स्टेशन टैक्सी ओला जो कि 15-20 मिनट में आती है। सो हाउ आर यू फीलिंग? आई एम जॉइनिंग आफ्टर 5 मंथ्स। सेला मैं सब कुछ चलाता हूँ, so how are you feeling? I'm joining after 5 months. लग नहीं रहा अभी join कर रहा है। अभी लग नहीं रहा ना, वैसे भी most probably 90% तो तुम शायद मिलेगी मंडे को। तो बुला लेना मुझे। रावेत आ चुके, शिप joining है मेरा। मेरी बीवी क्या करवा रही, सब्जी खरीदवा रही। क्या गलत बोला क्या? सही बोला ना, सब्जी सब्जी के लिए रुके ना मैं। चलो बाय बाय, आई एम नॉट श्योर एयरपोर्ट पे पॉसिबल होगा ज्वाइनिंग। चलो बाय, सी यू आफ्टर 3-4 मंथ्स। इट वॉज प्लेजर, बहुत BMW चलाया, बाइक राइड घुमाया, कितने कितने टाइम स्पेंड किया, इतना मस्त मजा आ गया। और बेबू भी अभी बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो गया है, बहुत मजा आता है, 4 महीने बाद और ज्यादा टॉकेटिव हो जाएगा, है ना। चलो पापा शिप पे जा रहे हैं। कैसे मास्क पहना आपने? कैसे चलो किस दो जल्दी से। दिस इज द बेस्ट। जॉइनिंग के पहले दोस्त को मिलना भी बहुत जरूरी होता है। विवियाना मॉल पहुंच चुका हूँ, प्रांशु यहाँ आ चुका है और एक और दोस्त आएगा। नहीं बे, कोरोना का टाइम है, अपना टेबल सैनिटाइज है। अगर आपको पता है कि आपकी जॉइनिंग है 3 दिन बाद, तो आपने पहले से पैकिंग क्यों नहीं करी? मेरी सारी पैकिंग रेडी है, सब सूटकेस में डालना है, सब सेट है, ऑर्गेनाइज्ड है, सूटकेस खोलना है और डालना है बस। सूटकेस में तूने डाला नहीं है तो पैकिंग कैसे हुई? चलो दोस्तों हम लोग लड़ते काय को पैकिंग पैकिंग किया। JW Marriott के जुहू होटल में मैं आ चुका हूँ, और आते ही मुझे बैड न्यूज मिल गई है कि दिस इज लाइक अ प्रॉपर क्वारंटीन जो मैं साइन ऑफ करके आया था, वैसा कुछ क्वारंटीन चल रहा है, ना फैमिली अलाउड है ना मिलना अलाउड है। इससे लेके सारी चीजें रूम पे सर्व की जाएंगी, जैसे हुआ था साइन ऑफ के टाइम पे वैसे एग्जैक्टली होने वाला। अगर वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो एंड में बढ़ा देता हूँ। गुड नाइट एंड सी यू इन मॉर्निंग। कल रात को काफी थक चुका था तो रूम टूर अभी करते हैं। ऑल सेट, सब कुछ पैक हो चुका है और मैं जाने के लिए रेडी हूँ जुहू के इस JW Marriott होटल से मुंबई एयरपोर्ट T2 इंटरनेशनल, जो कि यहाँ से बहुत ही पास है। लगेज मेरे पास नॉर्मली यही रहता है, ये तो मेरा लगता है साइन ऑन साइन ऑफ का यूनिफॉर्म बन गया, प्रीटी मच सेम थिंग्स। पिछली बार बहुत लकी था, कांडला में शिप था, बड़े आराम से डोमेस्टिक फ्लाइट से हो गई जॉइनिंग, मगर इस बार शिप है ब्राजील में। 3 फ्लाइट चेंज है, यहाँ से जाना है दोहा जो कि 4 घंटे की फ्लाइट है, दोहा से जाना है साओ पाउलो जो कि 16 घंटे की फ्लाइट है, और वहां पे 5-6 घंटा वेटिंग के बाद मिलेगी डोमेस्टिक फ्लाइट जो कि जाएगी साओ पाउलो से सेल्वाडोर। मैं साइन ऑफ करके आया था अगस्त स्टार्टिंग में और मैं जा रहा हूँ दिसंबर एंड में, तो अबाउट 5 महीने का मेरा अच्छा खासा वेकेशन हो चुका है। एक्चुअली तो मुझे ज्वाइन करना था न्यू ईयर के बाद अराउंड जनवरी 1st वीक में, लेकिन हमारी लाइन में 15-20 दिन आगे पीछे कभी भी हो सकता है। बज रहे हैं 12:30 और फ्लाइट है 4 बजे की, 3 घंटे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना बहुत ही अच्छी बात है। सिक्योरिटी चेक और कतार एयरवेज का अपना बोर्डिंग पास, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बहुत अच्छे से चेक किए। अभी सिस्टम क्या चल रहा है कि अगर आपको जहाज पे जाना है तो आपको 3 टेस्ट कराने, एक 20 दिन पहले, एक अबाउट 1 हफ्ते पहले, और एक आपके फ्लाइट डिपार्चर के 48 आवर्स के अंदर। तो पहला वाला टेस्ट है उसमें आपको दोनों करना है, ब्लड टेस्ट भी करना है और स्वैब टेस्ट भी करना है। तो ऐसा सीन अभी तक सही हो गया, मेरा खाली सिर्फ इमिग्रेशन बचा हुआ है यहाँ। एक बार वो हो गया तो मेरे पास 1 घंटा और है टाइम पास करने के लिए। तो लगा कि मैं बहुत पहले आया हूँ और बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन अब सिर्फ 15-20 मिनट बचे बोर्डिंग के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इमिग्रेशन की लाइन में बहुत टाइम लग गया, जबकि एयरपोर्ट बहुत खाली है। आप मेरे आजू बाजू देख सकते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, खाली है। मैक्सिमम मैंने लाइन में सिर्फ सीफेयरर्स ही देखे जो जहाज वहाज ज्वाइन कर रहे, अदरवाइज खाली है। इतनी कम भीड़ में भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स परेशान है और लाइन में लगाना ही लगाना है उनको।
अब मैं लैंड कर चुका हूँ एकदम टाइम पे दोहा के हमाद एयरपोर्ट पे, और यहाँ से विद इन 2 घंटे के अंदर ही मेरी फ्लाइट है, जस्ट ट्रांसफर है इधर से उधर। नेक्स्ट फ्लाइट लेते हैं अपनी दोहा टू साओ पोलो। थैंक यू। आज लाइफ में पहली बार मैंने रियर फेसिंग सीट सेलेक्ट की थी। मेरी जो साइन ऑफ की फ़्लाइट थी वो भी यही सेम कतार एयरवेज की फ़्लाइट थी, सेम सीट सब कुछ सेम, वो 11:30 घंटे की थी। फ्लाइट में आपको कपड़े भी देते हैं लाइक पजामा एंड, मैंने लास्ट टाइम गलती ये की थी कि मैंने मीडियम ऑर्डर कर दिया था, इस बार स्मॉल ऑर्डर किया है और परफेक्ट फिट है, कम्फर्टेबल हो गया। 15 घंटे के ऊपर कुछ बचा हुआ है फ्लाइट, 8 से 10 घंटे तो सोना है, एक मूवी देखेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करेंगे, निकल जाएगा। बैग बहुत प्यारा सा दिया हुआ है, एक लास्ट टाइम का रंजना ले चुकी है, अब एक और आ गया, वही जरूरत की सामान अपना, फेस मिस्ट, सैनिटाइजर, ईयर प्लग्स, यही सब है। पूरा होटल जैसा फीलिंग आता है यहाँ पे, और साइड में मैंने अपना सारा सामान वगैरह मस्त सेट कर दिया। यहाँ पे पानी की बॉटल है, ये यहाँ पे मैंने इसको थ्रैश के लिए बना दिया, इसमें सब कचरा डालते जा रहा हूँ। Something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. आ गया ब्राज़ील 16 घंटे के बाद। ऊपर से तो बहुत ही बड़ी सिटी लग रही है। थैंक यू बाय बाय। थैंक यू बाय बाय। लास्ट फ्लाइट में मैं 2 बार सोया, अराउंड 6-6 घंटे की 2 बार मैंने नींद निकाल ली। बीच में मैंने सिर्फ खाया पिया और एक मूवी देखा। दोस्तों तो मैं बाहर आ चुका हूँ और मेरा एजेंट मुझे यहाँ पे मिल गया था वेट करते हुए, तो मैं सबसे पहले उसे 3-4 और सीमेंट को कलेक्ट करने, थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं, फिर वो डोमेस्टिक में मेरा ट्रांसफर करवा देगा। टर्मिनल 2 में आ चुका हूँ, सारे काम हो गए, मेरी फ्लाइट में अभी भी 2-3 घंटे हैं, तो यहाँ पे मुझे टाइम पास करना है। शॉपिंग के लिए एक से एक चीजें दिख रही है, बहुत ही जबरदस्त है साओ पोलो का एयरपोर्ट, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छा। अपने मुंबई वगैरह भी क्यों नहीं सीखते यार इन लोगों से। जेट लैग बहुत खराब वाला हो चुका है, क्योंकि कितना फर्क है 8.5 घंटा इंडिया से, और ये थी मेरी लास्ट फ्लाइट, सब कुछ टाइम पे ही हो रहा है। कैप्टन ने इन्फॉर्मेशन दे दी है मुझे कल आ रहा है, तो आज का पूरा दिन है और कल का पूरा दिन है मेरे पास। साओ पोलो में बैगेज कलेक्ट करके वापस से रीचेक कर दिए थे, तो अपने को फिर से बैगेज क्लेम में जाके बैगेज लेना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है मेरा कि मेरे बेल्ट तक पहुंचने से पहले अपना लगेज ऑलरेडी आया हुआ था। बहुत ही फास्ट सर्विस है यार ब्राज़ील का, पूरा एयरपोर्ट का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, तो ये मेरे एजेंट मेरा कार्ड मेरे चिप का नाम लेके खड़े थे, मिल गए मुझे, टैक्सी में लेके जाएंगे मुझे। अरे बाबा, मेरे एक अकेले के लिए इतनी बड़ी बस। यू नीड माई पासपोर्ट? नथिंग। रात का टाइम है, पूरा अंधेरा है,
तो अभी होटल पे ही बात करते। माय फ्रेंड, हाउ मेनी आवर्स टू द होटल? हाउ मच टाइम? 1 hour. 1 hour? ओके। वाह, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, मोशन सेंसर लाइट्स, वेरी नाइस। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। सेल्वाडोर ब्राजील में मैंने चेक इन कर दिया है, मेरा शिप आने वाला है कल, जो कि आप देखेंगे अगले ब्लॉग में। रूम टूर सब कुछ अगले ब्लॉग में भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। स्टे फिट, जय हिंद। और कॉन्ट्रैक्ट मेरा चालू हो गया, लेकिन वीडियो का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मैं बनाऊंगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रहने की ज़रूरत है और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर रेगुलर वीडियो नहीं आएंगे तो शायद मेरे वीडियो मिस हो सकते हैं।